मटेरियल को हम लोग 1.76 mm से पास करवाएंगे, वो हमको मिलेगा W1 में हमने जो लिया था वेट वो 500 ग्राम लिया था, 500 kg लिया था आराम से। ये मटेरियल को अच्छे से बांध लेना है फटाफट, देखना गिरना नहीं। अभी हमने जो सीविंग कर रहे हैं वो 1.76 सीवी से पास होगा, ऐसे एग्रीगेट लेंगे और उस एग्रीगेट का हम लोग वेट ले लेंगे, और वेट करने के बाद हम लोग W1/W2 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, वहाँ से हमें जो है एवरेशन वैल्यू मिल जाएगा W2/W1 सॉरी। चलिए ओके બાકી જો આમાં કેવું છે ડસ્ટ પાર્ટિકલ ના લીધે કેવું પેલો ડસ્ટ થઈ ગયું છે એ ત્યાં એમાં ચોટી ગયું હશે ઉડી ગયું હશે, એટલા માટે કેવું થશે કે તમે આમાં તમને એરર આવશે, એટલે આપણે શું કરશું ટોટલ વેઇટ માંથી જે રિટર્ન થયું છે એનો વેઇટ માઇનસ કરશું, એટલે તમને જે પાસિંગ વેઇટ છે મળી જશે। ઓકે તો હવે આ જે પાસ થયું જે રિટર્ન થયું છે એનો વેઇટ લઈ લો કરી દે ઈ તો એ વેઇટ કે તો ડબલ સ્લીપ હશે સર વેઇટ આ કેટલું 4.533 રાઈટ હા 4.535 કરવાનું સર 35 4.335 વેઇટ ઓફ મટીરીયલ પાસ 465 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5000 माइनस दिस वैल्यू 4535 इज इक्वल टू कितना होता है कैलकुलेट, ठीक है तो 465 ग्राम जो है हमारा वेट जो है वो पास हो गया है। ठीक है अब इसका हम लोग एब्रेशन वैल्यू निकालेंगे, तो एब्रेशन वैल्यू सर W2 अपॉन W1 इंटू 1000 बन कर वन हो गया पूरा, और ये 5000 हमने जो लिया था वो मल्टीप्लाई 100, ठीक है ऐसा कह लो 9.3, तो इतना परसेंट जो है आपका इम्पैक्ट वैल्यू मिला है 9.3%।